100%। अब आपकी कमाई का स्तर भी बढ़ेगा, कमाई का तो दुगना हो जाएगा, 110%। बिल्कुल, पहले जो कमा रहा था तो उससे दुगना हो जाएगा, दुगना होगा। से है राजस्थान का, लेकिन जस्ट मेरी शॉप से लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर है उसका शॉप। वो आके गया है यहाँ पे 3 साल बाद बैकअप फरवरी में ही लेके गया है, तो पूरा भरोसा है कि मिलेगा लाइव 4G चालू किया और वापस लगा के चालू किया, तो उसके बाद कॉन्फिडेंस और बढ़ा क्योंकि हाँ। आप सीपीयू गए थे आपने सेकंड लास्ट डे ना ड्यूल लेकर किया था, वो आपने निकाला रिबॉल किया, कहीं भी आपका रैम टूटा या ऐसा लगा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम वन टाइम में पहले आईसी का काम कभी नहीं किया। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की, जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर। हाँ, माय YouTube की फैमिली, मेरा नाम है देवदन अग्रवाल और आप देख रहे हैं एसर टेलीकॉम आपका चैनल। दोस्तों, मैं हूं अभी अपने 28 मार्च के स्टूडेंट के साथ परमार, जो आए हैं गुजरात से। इनसे जानेंगे इनकी जर्नी। ये वीडियो आप देख रहे हैं फेसबुक पे लाइव और YouTube पे। अगर आपने फेसबुक में देख रहे हैं तो YouTube में जाकर सब्सक्राइब करें, और YouTube में देख रहे हैं तो फेसबुक जाके फॉलो करें। हाँ जी परमार, गुजरात से जोधपुर का सफ़र कैसे? बहुत बढ़िया रहा, और मैं फॉलो करता रहा चैनल को, मतलब अपना एशिया टेलीकॉम को फेसबुक में देखता था और यूट्यूब में देखता रहा लगातार 6 महीना जैसा देखा होगा। और जैसे ही देखता हूँ तो मन करता अभी चला जाऊँ। दो बार तो मैंने जनवरी में कॉल भी किया, लेकिन बैच खाली नहीं था तो ये मौका नहीं मिला। जैसे ही मौका मिला मैं आ गया इधर। तो क्या करते थे आप? मेरा मोबाइल शॉप ही है पहले से। किस लेवल पर काम करते थे? मीडियम लेवल पर, मतलब के चार्जिंग सॉकेट बदलना, कुछ कुछ जंपर भी लगा देना, मतलब क्या है कि जंपर का नॉलेज सही नहीं, जो नॉलेज यहाँ मिलना चाहिए एक एक कंपोनेंट्स के कौन सी लाइन कहाँ जाती है वो नॉलेज नहीं था अपने अंदर। और डैड मोबाइल बना पाते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं बना। और डैड मोबाइल की जो टेक्निक होती है कि उसको कैसे डायग्नोस करें, क्या सॉफ्टवेयर फॉल्ट है कि हार्डवेयर फॉल्ट है, होता था पहले? नहीं होता, ले अभी तो होता, अभी तो हाथ में पकड़ के बता रहे सकते हैं कि भाई इसमें क्या प्रॉब्लम। वही मैं जानना चाहता हूँ कि आपका यहाँ आने से पहले और अब के में परमार आपकी ज़िंदगी में कितना चेंजेस है? बहुत बहुत, मतलब पहले जो था उससे भी कुछ ज़्यादा ही, मतलब बहुत ज़्यादा। हाँ 100%। अब आपकी कमाई का स्तर भी बढ़ेगा? कमाई का तो दुगना हो जाएगा, 110%। बिल्कुल, पहले जो कमा रहा था तो उससे दुगना हो जाएगा, दुगना होगा, क्योंकि बहुत सारे फॉल्ट जो नॉर्मली फॉल्ट, अगर मैं बात करूँ बड़े फॉल्ट की तो बात भी नहीं कर रहा, नॉर्मली फॉल्ट जो आईसी के कारण छोड़ देते थे वो सारे फॉल्ट अब करने वाले हैं। हाँ, अभी तो एक भी फोन वापस नहीं जाएगा, नहीं जाने भी नहीं दूंगा अभी। अगर सॉफ्टवेयर और MMC की बात करेंगे तो दुर्गेश सर और मिलन सर का नॉलेज कैसा? बहुत बढ़िया है सर, इनके जैसा कोई सिखा, कोई इंस्टीट्यूट आप अपना एशिया टेलीकॉम जैसा कोई इंस्टीट्यूट सिखा नहीं सकता। मैं 2-3 जगह जाके आया हूँ, पता करके आया हूँ, उसके ऊपर से तो मैं बोल सकता हूँ दावे के साथ कि भाई यहाँ जो नॉलेज मिलता है, एंडलेस नॉलेज जिसको बोलते हैं, वो कोई नहीं दे सकता। मैं आपसे नाम तो नहीं पूछूंगा, बट ये पूछूंगा किस सिटी में गए थे? मैं देखो गुजरात के अंकलेश्वर में गया था, सूरत में गया था, फिर बड़ौदा में पता किया था, एक अहमदाबाद में भी पता किया था। तो आपने इतने जगह गए थे आप, और वहाँ आप सेटिस्फाई नहीं हुए? नहीं, सेटिस्फाई नहीं हुआ बिल्कुल। पर यहाँ पर कब सेटिस्फेक्शन मिला आपको? तो खाली अपने सर से बात किया खाली फोन पे, तभी सेटिस्फाई होगा कि नहीं यहाँ मिलेगा। जब यहाँ पे एक दिन पढ़ाई की तो उसके बाद में क्या फील? बहुत बढ़िया लगा। क्योंकि जब हम देखते हैं कि हमारे को जो पढ़ा रहे हैं जो टीचर हैं वो अपना 100% दे रहे हैं, बिना थके बिना रुके वो क्लास को पूरा एंगेज करके चल रहे हैं, और सुबह से रात तक हमको एंगेज कर रहे हैं, और हर एक टाइप हर एक वक्त एक नई चीज़ सीखने को मिल रही है। सो ऐसे इंस्टीट्यूट में तो ऑब्वियसली कि सीखने को मिलेगा, यहाँ पे तो मिलेगा। जनरली इंस्टीट्यूटों में क्या होता है कि बच्चे 3-3, 4-4 घंटे ऐसे खाली बैठे रहते हैं। कोई इंस्टीट्यूट जो है 3-4 घंटे से ऊपर पढ़ाते हैं, फर्स्ट टाइम लाइफ में मैंने देखा हूँ। हाँ, लाइफ टाइम मैंने हर एक एशिया टेलीकॉम में हर एक टीचर में मैंने देखा है कि 8-8, 10-10 घंटा कंटिन्यू पढ़ाते हैं, पढ़ाने की हिम्मत रखता है। हाँ, पिया पढ़ाने की, और स्टेमिना इतना रहता है कि हम थक जाते हैं बैठे बैठे, लेकिन सर नहीं थकते। अच्छा, यहाँ की अगर हम बैकअप टीम की बात करें, दीपक सर और MD सर, उनके बारे में बताइए। बहुत बढ़िया, उनका बैकअप मिलेगा 100, क्योंकि मेरे पास एक तो बंदा है मेरे गुजरात से, है राजस्थान का, लेकिन जस्ट मेरी शॉप से लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर है उसका शॉप। वो आके गया यहाँ पे 3 साल बाद बैकअप फरवरी में ही लेके गया है, तो पूरा भरोसा है कि मिलेगा। और दूसरी बात के मेरे पापा का जब एक बार फ़ोन आया था, MD सर ने बात किया था, मेरे पापा बोले कि सर से बात करा, तो मैंने सर ने एक ही बात बोली कि आपका लड़का यहाँ आया है, अब बिंदास हो जाए, पूरा लाइफ टाइम उनको सपोर्ट मिलेगा। बिल्कुल, और मैं यही चाहूँगा कि आप यहाँ से जाकर बहुत अच्छा काम करें। मुझे बताओ लाइव यहाँ पे 3rd से 4th दिन में आपने क्या काम किया? 3rd से 4th दिन में CPU और वो सब निकालना, लाइव
4G चालू सी और वापस लगा के चालू किया तो उसके बाद कॉन्फिडेंस और बढ़ा क्योंकि हाँ, आपने आईसी कभी पहले आईसी का काम कभी नहीं किया जबकि आपने लाइव कर दिया लाइव कर और वो भी सीपीयू आपने यूनिवर्सल स्टेंसिल से हां और ये भी तीन दिन में और वो फिर ब्लैक पेस्टेड की बात करेंगे ब्लैक पेस्टेड तो एकदम हलवा बना दिया जैसे पहले डर लगता था पहले मैंने अपनी शॉप पे स्क्रैप बोर्ड पे बहुत बार ट्राई किया जैसे बोर्ड कट जाता है ये सब होता है लेकिन यहाँ आने के बाद वो ट्रिक यहाँ पे जो ट्रिक मिल जाए ट्रिक के ऊपर आप गाइड से काम करोगे तो कभी फेल नहीं जाओगे और एमएमसी प्रोग्राम एमएमसी चेंज की बात करूँ वो भी बहुत बढ़िया लगा सर कोई नहीं सिखा सकता है मिलर ने लाइव भी किया ना ये तो हाँ लाइव भी किया लाइव और मैं ये जानना चाहता हूँ कि सेकेंड लास्ट डे फिर आपने कौन सा आईसी करके कौन सा सीपीयू कहते हैं आपने सेकंड लास्ट डे ना ड्यूल लेकर किया वो आपने निकाला रिवॉल्व किया कहीं भी आपका रैम टूटा या ऐसा लगा कोई प्रॉब्लम वन टाइम में आपने ये देखो आपने यूट्यूब में वो कितनी बार देखा होगा बहुत बार देखा लेकिन वो समझ में नहीं बहुत बार देखा ट्राई करने कोशिश भी किया लेकिन सक्सेस नहीं किया फिर आखिर में सोचा कि चलो अब जाना ही पड़ेगा क्योंकि इतने दिन से फॉलो कर रहा हूँ और आपका मैंने रिव्यू देखा एशिया टेलीकॉम का यूट्यूब पे और फिर मेरे भाई के साथ मैंने बैठ के मतलब डिस्कस की कि जब मैं आने वाला था उससे 3-4 दिन पहले तो एक आधा घंटा जैसा हमने डिस्कस किया फिर 2-4 का हमने मतलब मेरे भाई ने मेरे से छोटा है लेकिन क्या है कि नॉलेज में थोड़ा अच्छा है मेरे से पढ़ाई ज़्यादा है उसका तो वो बोला कि अगर तुमको सीखना ही है तो स्पेशल क्लास के तरह से मतलब कोई दुकान में सीखोगे तो इतना नॉलेज नहीं मिलेगा वो क्या है अपना काम भी करता रहेगा साथ में जो आपको पढ़ाता रहेगा तो मज़ा नहीं आएगा वो आपको डीप नॉलेज नहीं दे पाएगा और आपका रिव्यू देखा इसे टेलीकॉम का अपना तो बहुत बढ़िया लगा तो भाई ने बोला आप यहीं जाओ यहाँ आपको अच्छा पढ़ाई मिलेगा ज्ञान लेके आओ फिर यहाँ प्रैक्टिस करो मिलेगा आपकी गुजरात में शॉप है एक बार मैं कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में जो ज़्यादातर जनता ये कहती है कि अपनी शॉप को छोड़कर आप एक महीना जाते हो आपकी शॉप का आपका वेस्ट होता है डेली का आपका पैसा वेस्ट हो रहा है लॉस्ट मत करो घर पर बैठ लो ऑनलाइन पढ़ो आराम से घर शॉप छोड़ने की क्या ज़रूरत है ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहिए ऐसे लोगों के लिए तो कहना वो सब दिमाग से निकाल दो अपग्रेड तो टाइम के ऊपर अपडेट होना ही पड़ता है अगर नहीं होगे तो तुम बाहर चले जाओगे क्योंकि जब आप ये बताओ कि अब आप तो दुगना कमाओगे हाँ अब तो 100% ये सोच रखना कि मैं तो अभी 10 दिन नहीं रहूंगा तो शॉप में का मेरा जो लॉस हो जाएगा अरे लॉस नहीं यहाँ पे तो हमने पाया है जो कुछ नहीं मिलता जहाँ वो सोने जैसा पाया है लॉस नहीं है ये किस बताओ इतना नॉलेज घर बैठ के आप नहीं मिलता और नहीं ले सकता अगर ले सकते तो तब तक ले चुके होते ये भी सही है और अगर जो लोग कहते हैं कि यूट्यूब से सीख सकते हैं तो आप कभी यहाँ आते ही नहीं यूट्यूब से कोई नहीं सीख पाएगा भाई यहाँ दिखाओ कैमरा यहाँ दिखाओ दीपक सर दीपक सर